मूवी। अभी तो छॉपी से इधर मतलब हाथ में, और बहुत ही तो है ना ये टैंक में, तो बहुत ही है ना, बहुत ही है, बहुत है। इसका अभी है मतलब प्रोडक्शन चल रहा है। वाह ठीक है यार दोस्तों, अभी सब मछली का प्रोडक्शन चल रहा है, ये मछली का फुल लोड है। हाँ अच्छा, सब लोड है एकदम एकदम लोड है, इसीलिए धीरे धीरे पकड़ रहे हैं आप। अच्छा ये देखिए बढ़िया क्वालिटी है, देखिए दोस्तों। और वो लाल वाला वो टेंजरीन है ना, ये रेड आई टेंजरीन है, रेड आई, रेड हाई फिन बेलून मोली दोस्तों। ये देखिए अभी सब प्रोडक्शन चल रहा है दोस्तों। सेलिंग के लिए है ना? नहीं, हाँ ये सेलिंग के लिए है। दोस्तों मैं हूं आकाश, और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि आकाश ब्लॉग एंड पिट्स यूट्यूब चैनल। तो आ जाएगा दोस्तों और एक नया वीडियो लेके आप सब सभी का सामने। तो आ जाएगा ये सोदपुर में, सोदपुर पानीहाटी एग्जैक्ट लोकेशन है पानीहाटी। तो इसी वीडियो का माध्यम से आप लोग देख ही पाएंगे कि फार्मिंग का ऊपर वीडियो मतलब टॉपिक है मछली का, रंगीन मछली का फार्मिंग में। ज़्यादा वीडियो दे दी होगी इसी चैनल में, मतलब आप लोगों का ये चैनल में फार्मिंग का मतलब मछली फार्मिंग का। तो आप लोग देख ही पाएंगे बहुत सारे कलेक्शन, ठीक है। ये देखिए पॉन्ड, देखिए इधर मछली का पॉन्ड है रंगीन मछली का। तो जो सेलर जो दादा है ए फार्म में, तो उनका साथ परिचय कर लेते हो। तो सबसे पहले आप सब लोग को बोल रहा हूँ कि जो ट्रेंड चैनल में नया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। आप लोगों का सब्सक्राइब, आप लोगों का स्वाद ज़रूरत है, तो एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेटेड करती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और क्लिक करके देखिए सब वीडियो। तो जो सेलर दादा है उनका सब परिचय कर लेते हैं। तो सबसे पहले उनको बोल उनका नाम पूछ लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है संजीव घोष। संजीव घोष, और आपका लोकेशन बता दीजिए। ये लोकेशन प्रॉपर सोदपुर है और पानीहाटी, प्रॉपर लोकेशन पानीहाटी फेरीघाट का पास में ही है। ये फेरीघाट का पास में लैंडमार्क, अगर कोई जानना चाहते हैं तो लैंडमार्क क्या है? लैंडमार्क पानीहाटी फेरीघाट, पानीहाटी फेरीघाट जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ कौननगर। और एक क्वेश्चन है कि आपका जो फार्मिंग शुरू किए है कब किए है, मतलब कितना साल हो गया? मैं एकदम नया हूँ इसमें, एक्चुअली मैं सर्विस करता हूँ। तो ये फार्मिंग मैं 2-3 साल शुरू किया है, जस्ट 2-3 साल, 2-3 साल हो गया। आपका ये लोकेशन में अगर कोई शियालदा से आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? शियालदा सोदपुर स्टेशन उतर के पानीहाटी फेरीघाट का ऑटो। अच्छा, और हावड़ा से? हावड़ा से कौननगर उतर के कौननगर फेरीघाट, और कौननगर फेरीघाट के वो फेरी पार होके इधर, मतलब फेरी पार होके उसका बाजू में ही आपका घर है? एकदम 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 लंच घाट का बगल में ही मेरा घर है। कौननगर का उल्टा साइड मतलब पानीहाटी फेरीघाट, पानीहाटी फेरीघाट। तो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो बता दीजिए। 7003589108। अच्छा, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप जो दिए हैं, मतलब एक कॉलिंग टाइम क्या है आपको, कौन सा टाइम में कॉल करेंगे तो कोई लोग आपके लिए बहुत ही सुविधा होगा? मोटा मोटी रात 7 बजे के बाद, 7-8 बजे के बाद। ओके, आपका जो पीछे जो जगह खाली है इसी में मतलब क्या सोच रहे हैं क्या, मतलब ये पूरा जगह जो खाली है ना इसमें मैं फार्म कर सकता था, लेकिन ये मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रखा हूँ, जो किचन गार्डन बोलता है। अच्छा, सब ये टोटल जो सीजनल वेजिटेबल्स है। अच्छा, अच्छा, इसमें मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों कलेक्शन बिना स्किप करके आज का वीडियो। दोस्तों पूरा देखिए और एंड तक देखिए और क्लिक करके देखिए आज का वीडियो। ये देखिए दोस्तों अभी दादा खाना दिया है डेफनिया, और ये बेलून मोली का टैंक है इधर। ये बेलून मोली का नाम क्या है? हेलटेल बेलून मोली, हेलटेल बेलून मोली। ये पूरा, हाँ यस, बहुत ही यूनिक कलेक्शन है। देखिए ये अभी प्रोडक्शन चल रहा है इधर फार्म में, ठीक है। अभी पकड़ के दिखाएंगे आप लोगों को। दिखाइए दादा, बहुत ही शानदार कलेक्शन है दोस्तों। देखिए
ये तो सेलिंग के लिए नहीं है ना? नहीं, ये सेलिंग के लिए नहीं है, ये है मेल। ये मेल है, वाह क्वालिटी देखिए दोस्तों मेल का एक बार। ये है मेल ना? ये मेल। और एक थोड़ा फीमेल फीमेल उठा के देखिए, दिखाइए। ये है बेल मेल का फीमेल। ये है फीमेल, फीमेल भी देखिए दोस्तों, भेल टेल है, टुकड़े उठे दोस्तों। अभी सब मछली का प्रोडक्शन चल रहा है, ये मछली का फुल लोड है। हाँ अच्छा, कितने दिनों के बाद ये मछली मिल जाएगा सब लोगों को? ये मोटा मोटी एक डेढ़ महीना बाद ही मिल जाएगा। मिल जाएगा, अच्छा ठीक है। देखिए ये देखिए दोस्तों, कलेक्शन बोले तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, यूनिक कलेक्शन है दोस्तों बेलून मौली का। दादा के पास रेड बेलून मौली भी है, वो भी देख लेते हैं बाद में। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, इधर है डम्बो, प्लेटिनम डम्बो ना, प्लेटिनम एलिफेंट ईयर, प्लेटिनम एलिफेंट ईयर डम्बो गप्पी। इसका जो कान देखिए एक बार, कितना बड़ा है और शॉर्ट, मतलब बॉडी शॉर्ट है। यस बॉडी शॉर्ट है और कान बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, एक एक हाथ से उठा के दिखाइए, एक ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। एक बार देखिए, सेलिंग के लिए है दादा? अभी तो सेलिंग के लिए नहीं है, जो था प्रोडक्शन हुआ था मैं सब सेल कर दिया था। अच्छा। और कुछ है कुछ ये सब प्रोडक्शन? अच्छा, के लिए फीमेल भी मिल जाएगा ना? फीमेल भी मिल जाएगा, मतलब ये अभी सेलिंग के लिए नहीं है? अभी सेलिंग के लिए नहीं है। अच्छा, और फीमेल उठा के दिखाइए। अच्छा ये देखिए दोस्तों, फीमेल है जो कलरलेस वाला, वो फीमेल। ये देखिए फीमेल, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मछली का कान देखिए एक बार। ये देखिए दोस्तों, इसका अभी है मतलब प्रोडक्शन चल रहा है। कितने दिनों के बाद मछली मिल जाएगा? मोटा मोटी डेढ़ दो महीने के बाद मछली मिल जाएगा। डेढ़ दो महीना? अच्छा, ठंडे के बाद? ठंडे के बाद ही। अच्छा ठीक है दादा, तो देख लेंगे ऑस्कर फिश। ठीक है, ये देखिए बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही एक्टिव मछली है, बहुत ही एक्टिव मछली है। ऐसा ही कोई नेट का करने का कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए ऑस्कर, इसमें मैंगो है, मैंगो है, अल्बाइनो है, मैंगो और अल्बाइनो, ब्लैक टाइगर है, ब्लैक और कॉपर है, चार तरह का, चार भी चार आइटम है, चार आइटम है। ये देखिए आपका ही प्रोडक्शन है क्या? हाँ मेरा ही, दादा का ही प्रोडक्शन है। ठीक है, कितना महीना हुआ है, उम्र कितना हुआ है? ये जस्ट मोटा मोटी 32 दिन हुआ है। 32 दिन में इतना बढ़ गया? हाँ ना, हैच होने के बाद थोड़ा इधर इधर छोड़ने के बाद 32 डेज हुआ। अच्छा अच्छा समझ गया। और ये तो सेलिंग के लिए है ना? नहीं, हाँ ये सेलिंग के लिए है। पता चल जाएगा क्या सेलिंग में अभी क्या चल रहा है? हाँ 25 रुपये, 25 रुपया सब ऑस्कर का प्राइस, सब ऑस्कर का प्राइस मोटा मोटी 25 का आसपास हो जाएगा ना, रिटेल प्राइस ना? रिटेल प्राइस है। ठीक है, रिटेल में 25 रुपया करके दोस्तों अभी चल रहा है ऑस्कर। ये देखिए क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है और एक्टिव भी है। दादा का दादा ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडर है। देखिए ठीक है दादा, ये देखिए दोस्तों ये कैलिको शॉर्टटेल है और थोड़ा टेंजरिन भी है, टेंजरिन शॉर्टटेल। ये देखिए कैलिको शॉर्टटेल, इसी टैंक में है कैलिको शॉर्टटेल। ये देखिए ये वाला है ना कैलिको शॉर्टटेल? हाँ ये मेल है, ये मेल है। अच्छा ये वाला देखिए, ये मेल है और एक फीमेल दिखाइए। ये भी सेलिंग के लिए नहीं है ना? नहीं अभी तो सब प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, दो महीने के बाद ये साइज आ जाए, मतलब दो महीने के बाद ये सेलिंग होगा। ये फीमेल है, ये फीमेल, ये सब फीमेल है, ये सब देखिए दोस्तों सब फीमेल है। वाह बढ़िया क्वालिटी है देखिए दोस्तों। और वो लाल वाला वो टेंजरीन है ना? ये रेड आई टेंजरीन है, रेड आई, रेड आई टेंजरीन। देखिए आँख एकदम लाल है। हाँ ठीक, ये देखिए दोस्तों आँख देखिए, रेड आई, ठीक
रेड आई टेंजरीन शूट टेल है, ठीक है दादा। और इसका जो मेल है ये है रेड आई टेंजरीन शूट टेल, रेड आई टेंजरीन का। ये देखिए मेल, देखिए तो ये देखिए मेल, देखिए मेल टेंजरीन ना, रेड आई मेल टेंजरीन शूटल देखिए। ये अभी सेलिंग के लिए नहीं है, अभी प्रोडक्शन चल रहा है, उसका बाद मेल फीमेल अवेलेबल हो जाएगा ना, मेल फीमेल अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दादा, छोड़ दीजिए। ये दोस्तों नेक्स्ट कलेक्शन है सेंटा क्लॉस शूटल, ये सब ब्रूडर मछली है, सेंटा क्लॉस शूटल है। इधर मेल फीमेल दोनों ही है, मतलब अभी सेलिंग के लिए नहीं है। रेड आई, रेड आई सेंटा क्लॉस शूटल है, सेलिंग के लिए अभी नहीं है, 2 महीने का बाद सेल होगा दादा। 2 महीने का बाद ये मछली सेलिंग होगा, ठीक है। और ये देखिए अभी ये ब्रूडर है, बच्चा दिया हुआ है क्या? कितना दिया है अभी? मोटा मोटी 200-300 बच्चा हो, 200-300 हो, मतलब हो गया। उसके बाद तो और भी देगा ना, और भी देगा। तो देख लेते हैं रेड बेलून मौली का कलेक्शन, बेहतरीन कलेक्शन रेड बेलून मौली। देखिए ये देखिए रेड बेलून मौली, देखिए सब फीमेल है ना, ये फीमेल है, एक ही मेल निकला है ये। ओ ये वाला मेल एकदम छोटा, मतलब ऐसे ही क्यों होते हैं क्या मेल? थोड़ा सा और बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा। अच्छा, और फीमेल बड़ा होता है, फीमेल भी बड़ा फीमेल होता है। सब लोड है, एकदम लोड है, इसीलिए धीरे धीरे पकड़ रहे हैं आप। अच्छा ये देखिए फीमेल कितना बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार देखिए, वाह। यह भी प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, टाइम है ना, ब्रीडिंग टैंक है ना? हाँ ये सब ब्रीडिंग टैंक है, हाँ ये सब ब्रीडिंग टैंक दोस्तों, ठीक है। ये देखिए बच्चा दिखाते बार भी, दिखाते बार भी। एक छोटा सा तालाब में इधर ही फार्मिंग होते हैं, और इधर रेड बेलून मौली का एक बच्चा है, इधर निटिंग करके रखा हुआ है, इधर हापा जो, हाँ हापा जो बोलते हैं, ठीक। ये देखिए रेड बेलून मौली का बच्चा, वाह ठीक है दादा। मतलब ये तो 2 महीने का बाद साइज क्या, ये साइज हो जाएगा मोटा मोटी 1-1.5 महीना में साइज हो जाएगा। मतलब इधर लगभग 200 का आसपास है ना, ये इधर लगभग 200 का आसपास है, ठीक है। ये देखिए बेलून मौली है, इधर मिक्स्ड बेलून मौली है। ये देखिए इसी टैंक में है, ये ब्रीडिंग कम रियरिंग टैंक, इसी टैंक में है दोस्तों बेलून मौली, मिक्स्ड मिक्स्ड बेलून मौली भी है, और कुछ नियोन का पीस भी है, नियोन का पीस भी है ना। वो बेलून मौली उठा के दिखाई, वो एकदम ऑरेंज कलर का, हाँ ये देखिए, वाह कलर बोले तो बहुत ही अच्छा कलर है। देखिए दोस्तों सेलिंग के लिए है ना? हाँ अभी तो ये प्रोडक्शन चल रहा है, बच्चा तो बहुत ही दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक दिन में ना बहुत सब पूरा सब सेल चालू हो गया, मतलब अभी ऑस्कर सेल है ना? हाँ ऑस्कर सेल है। अच्छा और वाइट वाला उठा के दिखाइए, ये भी है एकदम फुल लोडेड है, फुल लोडेड है, यस फुल लोडेड। देखिए दोस्तों और एक ये वाला क्या है, ये वाला, हाँ ये भी बेलून मौली है ना, ये भी बेलून मौली है, सब रेयर क्वालिटी का ही है, रेयर क्वालिटी। इसका नाम क्या है, मतलब बेलून मौली तो ये ऑरेंज, ये ऑरेंज का ही एक ये। अच्छा अच्छा ये देखिए ये फिर मेल आ गया ना, ये मेल आ गया, फिर बेलून मौली का मेल, हाँ बेलून मौली का मेल, ब्लैक कलर का बेलून मौली है ना? हाँ ब्लैक बेलून मौली भी है, उधर है वो स्पेशल रखा हुआ है। और ये जो है हाइफिन है, हाइफिन, यस हाइफिन, हाइफिन बेलून मौली दोस्तों। ये देखिए अभी सब प्रोडक्शन चल रहा है दोस्तों, ठीक है, ये हाइफिन है, 2 महीना के बाद सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, हाइफिन बेलून मौली देखिए, ये हाइफिन है, हाइफिन का फीमेल भी है ना इधर? हाँ 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 ये डलमेशियन है, ये डलमेशियन, हाँ ये डलमेशियन, डलमेशियन क्या है, बेलून मौली, बेलून मौली वो डलमेशियन मेल है, ये मेल, फीमेल है इधर? हाँ फीमेल भी है, थोड़ा है ना, थोड़ा ना तो है नहीं, उधर इधर बड़ा टैंक है ना, 15 फुट का टैंक है, इसीलिए इधर
ये देखिए ये सब डलमेशियन है, डलमेशियन है। हाँ ये डलमेशियन है, ये देखिए एंजल। ये देखिए इसी टैंक में है एंजल, एंजल फिश। इतना बड़ा टैंक देखिए, कितना बड़ा टैंक है देखिए एक बार। ये एकदम छोटा छोटा एंजल है इधर। ये मोटा मोटी 8 दिन हुआ, 8 दिन का मछली है ठीक है। और इधर देखिए कितना एंजल है देखिए, इधर 12,000 एंजल, 12,000 एंजल है। देखिए झाग बत के इधर उधर घूम रहा है। प्लैटिनम है, ब्लू है, थोड़ा दिखाइए, ब्लू लेपर्ड है। अच्छा बोल में उठा के दिखाइए, बोल में उठा के दिखाइए। लेपर्ड एंजल है ना, ब्लू लेपर्ड, ब्लू लेपर्ड है, कोई घोस्ट है, कोई घोस्ट है एंड प्लैटिनम है। हाथ से उठा के दिखाइए दादा, ये देखिए दोस्तों। एक कितने दिनों के बाद ये साइज हो जाएगा? ये मोटा मोटी और 20-25 दिन में साइज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ये जो स्ट्राइप वाला ब्लू लेपर्ड ना, और ये सादा वाला प्लैटिनम, प्लैटिनम है। और वो माथा शेर में जो एक छोटा डॉट है वो कोई घोस्ट, हाँ, कोई घोस्ट है। अच्छा ठीक है, देखिए दोस्तों ब्लैक बेलून मौली देखिए, इसी टैंक में है ब्लैक बेलून मौली ठीक है। ये देखिए पूरा झाग बद के खाना खा रहा है इधर आके, ब्लैक बेलून मौली और एंड ब्लैक मौली भी है। देखिए दोस्तों साइज देखिए, देखिए ब्लैक बेलून मौली देखिए। ये ब्लैक बेलून मौली सेलिंग के लिए नहीं है, ओनली मतलब लोडेड है, मतलब ये फुल लोडेड है, सेलिंग के लिए नहीं है। 2 महीने के बाद ये सेल होगा ना, दो महीने के बाद सेल होगा। और मेल, मेल छोटा है, ये छोटा है मतलब ऐसे ही होते हैं क्या? ना ऐसे नहीं, वो बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा छोटा बड़ा होता है, ओके। और ब्लैक, ब्लैक मौली है ना, ये ब्लैक मौली है, एकदम लोडेड, लोडेड और बिग साइज का है, बिग साइज, जंबो साइज, जंबो साइज का है। देखिए ब्लैक बेलून मौली, ब्लैक मौली है, सॉरी ब्लैक मौली जंबो साइज का। अभी ये लोडेड है, महीना में कितना बार बच्चे देते हैं मछली? ये मोटा मोटी ये महीना में नहीं, एक साथ छोड़ा हुआ है मोटा मोटी, हर रोज ही बच्चा निकलता है, हर रोज ही बच्चा निकलता है। कितना करके बच्चे देते हैं मतलब ये क्वांटिटी? क्वांटिटी एक ब्लैक मौली मोटा मोटी 50, 60, 70। बाप रे, जैसा खाना दोगे आप ऐसा ही खाना खिलाना, मतलब खाना खिलाना ये है। जरूरी है, और जरूरी अच्छा है। खाना देते हैं तो अच्छा खाना देगा तो वो ये पॉइंट बच्चा आप तो देख सकते हो। अच्छा। कितना है? हाँ बच्चा भी बहुत ही है। अच्छा थोड़ा पकड़ के दिखाइए बेलून मौली कि माने मतलब फीमेल, फीमेल पकड़ के दिखाइए 4-5 पीस ब्लैक बेलून मौली। अभी तो 6 पीस है इधर मतलब हाथ में, और बहुत ही तो है ना ये टैंक में, तो बहुत ही है ना, बहुत ही है, बहुत है। देखिए इसी टैंक में क्या सोच कह रहा है मतलब कौन सा मछली छोड़ेंगे? इसी टैंक में पानी रेडी हुआ है, एकदम पानी एकदम ग्रीन है, पानी रेडी हुआ है। इसमें प्लैंकटॉन्स भी है, डफनिया भी है, तो इसमें थोड़ा और भी एंजल 20-25,000 एंजल छोड़ा जाएगा विंटर के लिए। अच्छा, और इसमें आधा सेल हो जाएगा जो प्लैटिनम जो उस टैंक में है, 12,000 एंजल, 10-12,000 एंजल जो है वो सेल हो जाएगा। फिर उसके बाद विंटर के लिए स्टॉक हो जाएगा इसमें। अच्छा, इसी टैंक, मतलब इसी टैंक में छोटा तालाब, हाँ इसी टैंक में। अच्छा, और इधर क्या कौन सा मछली है? इधर विडो है और टाइगर है, मोटा मोटी विडो 20-25,000 है, और टाइगर, हाँ और टाइगर 40,000-50,000 ऐसा कुछ है। ओके, अभी प्रोडक्शन तो चल रहा है ना? हाँ ना, अभी ये रियरिंग हो रहा है, ये सेल हो जाएगा पूरा, ये सेल हो जाएगा कुछ दिन बाद ही पूरा सेल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों,
टाइगर मच्छ है, मछली है, वीडो है। वीडो 6 कलर मिल जाएगा आपके पास ना? 4 कलर ना, 5 कलर मिलेगा। अच्छा, कुछ कुछ ब्लू है। ब्लू है हाँ, कुछ कुछ ब्लू है, रेड मैक्सिमम है। मैक्सिमम रेड है ना? हाँ, ये ब्लू है। 15-20 दिन लग जाएगा। 15-20 दिन कितना में सेल होगा ये मछली? ये मोटा मोटी जो रिटेल प्राइस है, ये टाइगर है। अच्छा, टाइगर मछली, ये भी 10-15 दिन लग जाएगा ना? हाँ, ये 15-20 दिन लग जाएगा। टाइगर बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, अच्छा दादा, वो बताइए वीडो वो मतलब प्राइस कितना में फिक्स्ड होगा बाद में? मोटे रेड वाला 7 रुपया हो जाएगा। 7 रुपया? 7 रुपया हो जाएगा। अच्छा, और येलो? येलो और ग्रीन 6 रुपया। 6 रुपया। और ब्लू? ब्लू 8 रुपया। 8 रुपया करके मिल जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा, टाइगर बार्ब का पता चल जाएगा? टाइगर बार्ब मोटा मोटी मैं 4 रुपया से छोड़ दूंगा। 4 रुपया में? अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी में है तो 40-50 हज़ार है। अच्छा, इसमें अच्छा, इसीलिए तो हाँ। अच्छा, मैं जितना भी है मोटा मोटी होलसेल में ही। ओके, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, एक बार देखिए। धूप पड़ रहा है और शाइनिंग भी कर रहा है मछली, देखिए। वाह, ठीक है दादा। तो दोस्तों आप सभी लोग देखे कि दादा के पास जो जो कलेक्शन था उन्होंने दिखा है इसी वीडियो का माध्यम से। यूनिक कलेक्शन भी रखते हैं दादा, बेलून मली का। ठीक है दोस्तों, बेलून मली का कलेक्शन अभी तो सेलिंग के लिए नहीं है। बेलून मली 2 महीने के बाद सेलिंग होगा, अभी सेलिंग के लिए है वीडो और टाइगर बर्ब, एंड सेलिंग के लिए है अभी ऑस्कर। 4 आइटम मिल जाएगा ऑस्कर का। 2 महीने के बाद आप लोग कॉल करिए, जो जो मछली दिखाए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन कलेक्शन दिखाए, 2 महीने के बाद कॉल करिए, सब कुछ भी मिल जाएगा। अभी प्रोडक्शन चल रहा है, मिल जाएगा 1 महीने का। एक महीने के बाद एंजल भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बाहर स्टेट में क्या पॉसिबल है डिलीवरी? पॉसिबल है थ्रू एजेंसी। एजेंसी मतलब बाहर स्टेट में पॉसिबल है? पॉसिबल है। मतलब क्वांटिटी कितना लेना पड़ेगा स्टेट से, अगर कोई लेंगे तो कितना देना पड़ेगा? देखिए ये तो अप टू द कस्टमर्स, ठीक है, लेकिन डिलीवरी चार्ज वो देंगे। डिलीवरी चार्ज तो उनको ही तो देना पड़ेगा, तब उसका जितना पुसाएगा तो वो माल इतना लेगा। 2-3 हज़ार रुपया का माछ लेगा, मछली लेगा तो उनके लिए अच्छा है, मेरे लिए कुछ नहीं है। और मान चलिए कि अगर कोई 10 पीस लेंगे, 20 पीस लेंगे, डिलीवरी देंगे तो उनका महंगा पड़ जाएगा, महंगा कॉस्टली पड़ जाएगा ना। बताइए कि गुजरात जाएगा कितना पड़ जाएगा, मतलब एक पर जो एजेंसी जो कुरियर चार्ज लेगा, वो जो पैकिंग चार्ज लेगा वो लेगा, कितना लग दे मतलब ये मालूम है? मोटा मोटी अभी कितना लगे गुजरात में वो मालूम नहीं है, मोटा मोटी 300-350-400 रुपया तो लेते ही है कार्टून। मतलब क्वांटिटी अच्छा, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो हाँ, उनको कॉस्ट इफेक्टिव होगा। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा, कौन सा मछली आप लोगों को अच्छा लगा, वो भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए। और रोज़ वीडियो आ रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लाल वाला बटन है उसको दबा के रख दीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आप लोगों का मिल जाएगा रोज़। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है, और आपका दिन दोस्तों शुभ हो जाए।